अपने अजीबोगरीब बयानों से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिप्लव देव की दिल्ली में पीएम मोदी के सामने पेशी होगी और पीएम से मुलाकात के बाद बिप्लव के बयानों पर बैन लग सकता है। तो आपको बता दें कि पहले भी कई बार विवादित बयान वो दे चुके हैं। हाल ही में उनका बयान आया है वो इंजीनियर्स को लेकर था और ये भी उन्होंने कहा था कि लोग सरकारी नौकरी के लिए नेताओं के पीछे ना भागे बल्कि पान की दुकान खोलें। साथ ही उन्होंने इससे पहले भी कई बयान ऐसे दिए हैं जिसकी सफाई देने में सरकार को काफी मुश्किलें सामने आई हैं। अब ये फैसला लिया गया है कि उनको दिल्ली बुलाया जाए और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कराई जाए। 2 मई को बिप्लब देव को दिल्ली बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में अपनी अजीबोगरीब थ्योरी वो देश के सामने रखते रहे हैं। कई बार वो हास्य का पात्र भी बने हैं। महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। सिविल इंजीनियर्स को सिविल सेवा में जाना चाहिए क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के पास इसका ज्ञान है। क्या बोल रहा सुजीत जी, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र की अपनी अजीबोगरीब थ्योरी से देश को हंसाने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव आखिरकार दिल्ली बुला लिए गए, शायद इसलिए ताकि वो अपने बयानों से पार्टी के लिए कोई और शाकार न रच सकें और उनका दिव्य ज्ञान विपक्ष के काम न आए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिप्लब देव के अजीब और गरीब बयानों से नाराज है और इसलिए 2 मई को उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कहा गया है। यानी पार्टी बिप्लब देव के दिव्य ज्ञान वाले बयानों की सीरीज पर बैन लगाने की तैयारी कर चुकी है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद से छाए हुए हैं। बिप्लब देव के विवादित बयानों की लंबी फेहरिस्त है जिसकी शुरुआत हुई महाभारत में इंटरनेट वाले बयान से। बिप्लब देव ने महाभारत काल की ऐतिहासिक साइंटिफिक थ्योरी ऐसे पेश की मानो वो खुद महाभारत काल के चश्मदीद रहे हों। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बिप्लब देव के सिविल इंजीनियरिंग वाले बयान ने लोगों को हैरान और बीजेपी को परेशान किया। इस बयान में उन्होंने कहा सिविल सेवा सिविल इंजीनियर्स के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियर्स को सिविल सेवाओं में नहीं जाना चाहिए लेकिन सिविल इंजीनियर्स को सिविल सेवा में जाना चाहिए क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के पास इसका ज्ञान है। शिक्षा शास्त्र की इस अजीबोगरीब थ्योरी के अलावा बिप्लब देव देश से बेरोजगारी भगाने का मंत्र भी दे चुके हैं। बिप्लब के मुताबिक गाय रोजगार भी देगी और लखपति भी बनाएगी। गाय होना चाहिए तो अपने आप दूध 50 रुपया लीटर है यहाँ, तो एक गाय पाल ले। कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। बिप्लब देव के विवादित बयान की सीरीज में ताजा बयान ये है कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बजाय पान की दुकान खोल लें जिससे उनके बैंक बैलेंस में लाखों रुपए होंगे। रोजगार माने अपने छोटे व्यवसाय करो, रोजगार करते पारे, से मानसिकता तैयारी करते हैं हम सबके रोजगार करते हैं। लेकिन अब शायद लोगों तक बिप्लब देव के अनोखे ज्ञान का प्रकाश ना पहुंच पाए। बीजेपी बिप्लब देव के दिव्य ज्ञान के बयानों की बोलती बंद करने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।